नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने बुलेरो नियो के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स सुने होंगे। बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं और बहुत ही अच्छी गाड़ी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो उसके डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं और गाड़ी इकोनॉमिकली बहुत ही बढ़िया है, इसका माइलेज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर गाड़ियाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं मिलती हैं, वो ही इसमें आपको रिवर्स कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपकी जो सीट है वो लेदर रिक्ट नहीं होती हैं और जो सीट के अंदर अंडर स्टोरेज कुछ नहीं होता है। दोस्तों, क्लाइमेट कंट्रोल फीचर आजकल सभी गाड़ियों में मिलता है, इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें लेग और नी जो रूम है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर गाड़ियाँ। दोस्तों, जहाँ तक बात करें कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, तो दोस्तों इसमें केवल ड्यूल एयरबैग मिलते हैं जो कि ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए होते हैं। पीछे के साइड में कोई भी आपको एयरबैग नहीं मिलता है। सीट बेल्ट जो है वो रियर और साइड के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें थर्ड रो में साइड फेसिंग बेंच सीट आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसकी लैकिंग में करते हैं। जहाँ तक बात करें इसके जो इंटीरियर है, उसमें हमने आपने देखा रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। जहाँ बात करें हम इसके एक्सटीरियर की, तो दोस्तों बोलेरो नियो कोई नया नहीं है, ये TUV 300 आप गाड़ी देखना, उसी को रीब्रांडिंग करके कंपनी बोलेरो नियो के नाम से बेचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इसमें रूफ रेल हमें देखने को नहीं मिला है, आगे हो सकता है आगे हमें देखने को मिले। और उसमें इसके लुक में अपग्रेड किया गया है मेनली, तो लुक की वजह से इसको दिया गया है कि ये बोलेरो नियो है। इसके अलावा इसके इंजन की बात करें तो जो 3 सिलेंडर इंजन है वो टॉप एंड नहीं है वो, और इसमें वाइब्रेटिंग गियर का लीवर टर्न ऑफ है, और 4x4 पेट्रोल में ये हमें गाड़ी नहीं मिलती है। ऑटोमेटिव वेरिएंट इसमें नहीं मिलता है, मैनुअल वेरिएंट वाला ही गाड़ी हमें मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही।